नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मुजफ्फरपुर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के सदस्य एवं नेताओं ने मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर के धरनास्थल पर बैठक आहूत की, जिसमें जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की हो रही समस्याओं पर चर्चा की गई। यह बैठक एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें उपस्थित लोगों ने एक मत से फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के बैनर तले जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की हो रही समस्याओं के निदान के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। उपस्थित लोगों ने कहा कि जन वितरण प्रणाली दुकानदार उपभोक्ता एवं सरकार के बीच पिस रहा है और इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं चौपाल समाचार में अजय कुमार की रिपोर्ट। अभी हम लोग समस्या से ही जूझ रहे हैं, बार बार समस्या। हम लोग को पिछले महीना में माल मई में जो PMG का वाई था वो कम दिया गया और पैसा वाला था उसमें से हमारे डीलर बांट दिए फ्री में। इस महीना में जो जून में जो माल मिला है वो कम मिला है, वो कैसे बांटेंगे? उसके बाद माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह और सरकार के सचिव विनय कुमार जी बार बार पेपर के माध्यम से निकालते हैं, चिट्ठी निकालते हैं कि जिस डीलर के यहाँ सड़ा हुआ चावल जाएगा उस डीलर पर हम FIR करेंगे। अरे भाई, डीलर कोई सड़ा हुआ चावल पैदा करता है? वो आपके द्वारा भेजा जा रहा है सड़ा हुआ चावल। अभी देख लीजिए, नालंदा जिला के हमारे माननीय सुशासन के मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ चावल पंजाब का चावल बट रहा है, एक नंबर चावल, और मुजफ्फरपुर जिला में सड़ा हुआ चावल दिया जा रहा है सारे डीलर को। पानी मार के यहीं ब्रह्मपुरा का गोदाम है जहाँ मोटर के द्वारा पानी मारा जाता है गोदाम में चावल गेहूँ पर, और वो डीलर के यहाँ जाता है। ये देखने वाला कोई नहीं है। आज डीलर का समस्या है तो कोई नहीं सुनता है, लेकिन वही डीलर के नाम पर डीलर का कोई फुलभंगा नेता झूठों के कह देगा डीलर माल बेच लिया तो तुरंत सारे आदमी पहुंच जाएंगे। क्या डीलर अपने घर से लाता है? और जो भी बहुत तरह का शिकायत लोग करता है कि डीलर कम दे दिया, डीलर कम नहीं देता है, डीलर पूरा देता है। डीलर के यहाँ से माल लेके जाता है जो बनिया के यहाँ बेचता है, जाके खरीदने वाला उसको घटा के लेता है तो वो कहता है कि डीलर कम दे। हमारे डीलर चोर नहीं है, हमारे डीलर पूरा माल दे रहे हैं, फिंगरप्रिंट तो अंगूठा लगा के दे रहे हैं। और केंद्र सरकार की योजना अगर कोई भी चल रही है धरातल पर तो वो है PDS, एक नंबर PDS। जितना PDS अभी अच्छी ढंग से काम कर रही उतना यानी बिहार का या केंद्र सरकार कोई भी योजना नहीं चल रहा है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि आप खाने लायक चावल हमारे डीलरों को दीजिए, या खाने लायक नहीं देना है तो बंद कर दीजिए। सड़ा हुआ चावल देने से क्या फायदा? सारा हुआ चावल आप दे रहे हैं, इसके यदि भूख भोगी हम हो रहे हैं, जहाँ देहात में हम लोग गाली सुन रहे हैं, कहीं कहीं हमारे डीलर पिटा भी जा रहे हैं, लेकिन हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो कोई सुनने वाला नहीं। उपभोक्ता जाके डीलर के अभी सकरा में आया था, उपभोक्ता जाके डीलर के यहाँ गाली गलौज किया मारा और उल्टा डीलर पर केस हुआ कि डीलर मारा है उपभोक्ता। अरे भाई, किसी डीलर को जाके कोई गाली देगा उपभोक्ता? क्या डीलर उसको धक्का भी नहीं दे सकता है? इतना गिरा हुआ डीलर हो गया है। इसलिए मैं बिहार सरकार और यहाँ के जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि सर हमारे पूरे जिला में सड़ा हुआ चावल बंद करें। आज भी किसी भी गोदाम में औचक निरीक्षण करा के देख ले लो, हर गोदाम में सड़ा हुआ चावल है, वही चावल डीलरों को दिया जा रहा है। डीलर का इसमें क्या कसूर है? मेरा नाम हुआ हीरालाल प्रसाद यादव, जिला।